अन्य तमाम विधाओं को इसको आगे बढ़ाने का कार्यक्रम किया जाएगा। और यह महत्वपूर्ण इसलिए होगा क्योंकि इसकी जो ड्राइंग है वह श्रावस्ती के राजा शालिहोत्र की परिकल्पना के आधार पर है। उन्हें माना जाता है कि तीसरी सदी में उन्होंने जो शालिहोत्र संहिता रखी थी उस संहिता के अनुसार उन्होंने जीव जंतुओं पर जो अनुसंधान किया था उस अनुसंधान के क्रम में उनमें होने वाली बीमारी, उसके लक्षण और उसके उपचार की सारी विधियों को उन्होंने अपनी उस संहिता के अंदर सजो करके कैसे हम मनुष्य और पशुओं के बीच में अंतर महसूस करके उनके उपचार की व्यवस्था करके उनकी नस्ल सुधार को करके उन्नत नस्लों को आगे बढ़ाने में कैसे योगदान दे सकते हैं। और यह कार्यक्रम, यह ड्राइंग उसी आधार पर आगे बढ़ाने का कार्यक्रम के साथ हम लोगों ने यहां पे जोड़ करके इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। भाइयों बहनों, आज नया भारत है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत की ताकत का डंका पूरी दुनिया के अंदर बज रहा है। आप मानते हैं ना देश बदल गया है? और यह सब तब संभव हो पाया है जब देश की जनता ने 2014 में देश की बागडोर प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों में सौंपी। नहीं तो पुराना डर्रा क्या था? 14 के पहले लोग थे, क्या बोलते थे? कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं कर सकते। और आज तो देखिए, कांग्रेस के समय, विरोधी दलों के समय में गोरखपुर का खाद कारखाना बंद हुआ, मोदी जी की सरकार आई, मोदी जी ने उसको चालू कर दिया। फर्टिलाइजर कारखाना चालू हो गया ना, चालू हो गया ना। गोरखपुर में एम्स बन गया ना। आपका ये 4 लेन की सड़क बन गई है ना। और सड़क बनने के साथ यहां पे वेटनरी कॉलेज का शिलान्यास का कार्यक्रम है, इसमें युद्ध स्तर पर कार्य आगे बढ़ेगा ना। अब इसी के बगल में 50 एकड़ क्षेत्रफल में निराश्रित गोवंश के लिए भी नगर निगम गोरखपुर के द्वारा एक बड़ी गौशाला का निर्माण कराया जाने वाला है। और फिर यहां पर एक इंटरनेशनल स्टेडियम बनाने की कार्रवाई को भी हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा यहां पे। ये जो राही वगैरह घूम रहे हैं ना, इन लोगों को दौड़ने के लिए इंटरनेशनल स्टेडियम देंगे, यहीं पे इन लोगों की पहलवानी दिखाएंगे। सब लोग समझ रहे हैं ना? और इस समझ को चुनाव तक बनाए रखना है, क्योंकि चुनाव में फिर एक बार मोदी सरकार, और अब की बार 400 पार, अब की बार। सब लोग तैयार हैं? सभी लोग देखो, ऐसी सरकार कभी नहीं आई थी जैसी मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही है। विकास भी है और गरीब कल्याण भी है, सुरक्षा भी है, समृद्धि भी है, नौजवानों के लिए आजीविका भी है, तो आस्था का सम्मान भी है। आप मुझे बताओ, अयोध्या में कितने लोगों ने दर्शन किया है? गए भाई, काफी लोग गए। बाकी लोग जो बच जाए, बचे के बचे होंगे, मैं सांसद जी विधायक जी से कहूंगा कि नोटिफिकेशन के पहले अगर दर्शन करा सकते हैं जल्दी जल्दी दर्शन करवा दीजिए सभी लोगों को। आप मुझे बताओ, अयोध्या में भगवान राम का मंदिर का ये सपा और कांग्रेस के लोग बना पाते? वे लोग तो गोली चलाते थे, गोली। और आज गोली नहीं, आज तो पलक पावड़े बिछा करके आने वाले श्रद्धालुओं का सम्मान किया जा रहा है, लंगर चल रहे हैं। यानी
भगवान का आशीर्वाद भी और साथ साथ भगवान का प्रसाद भी, दोनों एक साथ प्राप्त हो रहे हैं। हो रहा है ना, सहमत है ना? और इसीलिए आए हैं। अच्छा बताओ, रवि किशन की फिल्म कितने लोगों ने देखी, फ्री में या पैसा लेके? हैं? अब चुनाव के बाद मैं बोलूंगा कि 100-200 फ्री का करवाना है, ठीक है ना? तो रवि किशन को फिर से प्रत्याशी बनाया गया है, सब लोग सहमत है ना? सभी लोग रवि किशन बनकर के ही वोट मांगने के लिए घर घर जाएंगे, तैयार हैं? रवि किशन की तरह एक्टिंग मत करने लग जाना, वोट मांगना है, ठीक है? एक्टिंग करने के लिए तो पर्याप्त है, और इसीलिए हम लोग आए हैं। विकास हो रहा है, गरीब को राशन की सुविधा का लाभ मिल रहा है, कहीं मेडिकल कॉलेज, कहीं एम्स, कहीं एयरपोर्ट, कहीं स्टेडियम, कहीं पे चिकित्सा महाविद्यालय, कहीं मेडिकल कॉलेज, कहीं डिग्री कॉलेज, कहीं पॉलिटेक्निक, और अब तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लिंक एक्सप्रेसवे भी गोरखपुर को जोड़ने वाला है। उद्योग लग रहे हैं, 5,000 नौजवानों को अकेले गीडा में नौकरी मिली है। 5,000 नौजवान, 5,000 लोग पहले गोरखपुर छोड़ करके दूसरी जगह जाते थे, आज यहीं पे उनको नौकरी मिला है। ये परिवर्तन ये है। एम्स में 1,000 लोग, फर्टिलाइजर में 1,000 से ज्यादा लोगों को, और अन्य जो कार्य हुए हैं उनमें भी ढेर सारे लोगों को रोजगार मिला है। बहनों और भाइयों, सरकार जब अच्छी आती है तो जनता जनार्दन को सिर में बिठा करके उनकी सेवा के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य करती है, और आज भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार इसी मजबूती के साथ पूरे देश के अंदर भी और पूरे प्रदेश के अंदर भी कार्य कर रही है। और नहीं तो पिछली सरकारों में गुंडे, माफिया गरीबों की जमीनों पर कब्जा करके उन्हें तबाह करते थे, कुछ चंद लोगों के घर भरते थे, पब्लिक देखती रह जाती थी, सरकारी योजना का लाभ भी कुछ चंद लोगों को मिलता था, गरीब को नहीं मिल पाता था। लेकिन आज ऐसा नहीं हो सकता है, आज तो हर एक को इसका लाभ प्राप्त होगा, और इसीलिए आज हम सब यहां पर आए हैं। ये महाविद्यालय, पशु चिकित्सा महाविद्यालय बहुत शीघ्र कार्य करता हुआ दिखाई देगा, और इसके माध्यम से हम लोग बहुत शीघ्र यहां पर जब इसको चालू करेंगे तो इसके माध्यम से आपको बहुत सारी सुविधाओं का लाभ यहां के लोगों को प्राप्त होगा। लोग देखेंगे गाय का, भैंस का, बकरी का, सुअर का, मुर्गी का, या अन्य मछलियों से संबंधित कोई भी अन्य बीमारी होगी उसका उपचार भी होगा, उन्नत किस्म भी मिलेगी, और साथ साथ इसके लिए अन्य महत्वपूर्ण सुझाव भी प्राप्त होंगे। लोगों को उनके बचाव के लिए, उनके रखरखाव के लिए, उनकी उन्नत नस्लों को आगे बढ़ाने के लिए यहां के माध्यम से एक नई दिशा प्राप्त होगी। नौजवानों को अपने कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए यहां पे एक नया प्लेटफॉर्म प्राप्त होगा, जिसके माध्यम से डिग्री और डिप्लोमा के तमाम कार्यक्रम आगे बढ़ेंगे। आज के इस अवसर पर दक्षिणांचल के वासियों को, गोरखपुर वासियों को इस नई सौगात के लिए मैं आपको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं, और विश्वास करता हूं कि आप सबका आशीर्वाद डबल इंजन सरकार को जैसे प्राप्त होता रहा है, ये आशीर्वाद इसी प्रकार से बना रहे। इस विश्वास के साथ आप सबको होली की अग्रिम मंगल में शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद, जय जय श्री राम।